Shri Sharad Yadav. I'm not Thakur Bhai, from, you will speak from my part. Okay. What is his name? Ramnath Thakur. Ramnath. Ramnath Thakur. मंत्री श्री गहलोत साहब ने जो यह संशोधन विधेयक लाया है, मैं अपने दल की तरफ से इन्हें बधाई देता हूं और इसका मैं समर्थन करता हूं। 25 वर्षों के बाद बहुत मेहनत के बाद ओबीसी कमेटी में रहने के बाद 2014 से मैं उस कमेटी में हूँ। इसकी लड़ाई मैं लड़ता रहा। आज मंत्री महोदय जी ने इस विधेयक को लाने का काम किया है, संशोधन विधेयक को। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें बधाई देता हूँ। हम 1966 जब मैं 10वां वर्ग का विद्यार्थी था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जाति प्रथा किताब पढ़ने के बाद और समाजवादी दल का सदस्य बना उनके हाथों से, ओबीसी समाज में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। दल के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इस संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया। 25 वर्षों के बाद आज आया है संशोधन के लिए। ये क्रीमी लेयर क्या है, किसके लिए है? हम सभी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। एक क्रीमी लेयर किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको पहुंचा रहा है और इस पर क्या आप कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसको क्या, किसको फायदा होगा? नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, आप सब ठीके पर दे रहे हैं और ऊपर से क्रीमी लेयर ला रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध होगा और हमारे दल की मान्यता है कि आप क्रीमी लेयर को हटाइए, हटाइए और आरक्षण को लागू कीजिए विस्तार पूर्वक। मैं इस पक्ष में हूं कि क्रिमिनल लेयर नहीं रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी कमेटी है लेकिन उसमें है कौन चेयरमैन, है कौन सदस्य? इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि चेयरमैन सदस्य प्लस महिला ओबीसी कमेटी में रहना चाहिए और अधिकारी को भी रहना चाहिए। 25 वर्षों में हम जो 3 वर्षों में देखा है कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बीके प्रसाद जी जानते हैं, वो भी सदस्य हैं उसमें। एक काम 3 वर्षों में नहीं हुआ। सरकार का मेहनत, सदस्य का मेहनत, मीटिंग, लेकिन फायदा कुछ नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि चेयरमैन सदस्य प्लस महिला ओबीसी का होना चाहिए। कुछ सुझाव मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पूर्ववक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपको बताया है कि हमारी स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। एक बहुत बड़े संत ने कहा है जिसको मैंने सुना है, भूल होना प्रकृति है
भूल होना प्रकृति है, भूल सुधार होना संस्कृति है और भूल सुधारना प्रकृति है। आपने इस विधेयक को लाया है, इससे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विवेकानंद, कबीर की आत्मा को संतुष्टि मिलती होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मांग को रखेंगे एक घटना बता करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आरक्षण की बात चल रही है, 10 नवंबर 1978 को बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया था 26%। ओबीसी का है मामला, लेकिन मंडल कमीशन में वो सर्वे नहीं हुआ कि ओबीसी में अत्यंत पिछड़े वर्ग कितने हैं, उसमें कितनी जातियां हैं और उनको क्या सुविधाएं मिल रही है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के नाम से जाना जाता है, उस फार्मूला को लागू होना चाहिए। 27% में उन्होंने 12% दिया था अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, 8% दिया था पिछड़ा वर्ग को, 3% दिया था महिला को और 3% दिया था आर्थिक आधार पर जो पिछड़े महिलाएं हैं उनको। इस आधार पर हमसे आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी सहूलियत दे भारत सरकार, और आप यह निवेदन करना चाहते हैं। हम लोग जिस समाज से आते हैं, उन समाजों को नौकरी में आप देखे होंगे कि नौकरी में कहीं पूछ नहीं है, उसको कोई नहीं देखने वाला है। हमने 6 महीने पहले एक क्रीमी लेयर के मामले में एक सुन आवर में लगाया था, 1026 जो कंप्लीट हो गए थे नौकरी में यूपीसी में, उसको 310 लोगों को दिया और सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर उसको पिछड़ा वर्ग में नहीं लाया गया, पिछड़ा वर्ग में नहीं लाया गया। ये तो ओबीसी का अपमान है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिस चीज को आपने लाया है तो दिल से और लगे सामाजिक पिछड़े वर्ग के लोगों को कि इस सरकार ने पूरे दृष्टि से, पूरे संशोधन के साथ, पूरे सोच और विचार करके सामाजिक न्याय को संरक्षण दिया है, समाज को संरक्षण दिया है और समाज को आगे बढ़ाने में ये शक्ति देकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम अपनी दल की तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं कि हम आपके संशोधन को पास करेंगे और क्रीमी लेयर को आप अपने इस संशोधन के आपका जो भाषण होगा उसको निश्चित रूप से हटाने का काम करेंगे। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।